मुझे, मैं हूँ आप सबकी प्यारी कुल्फी माँ, मेरा मतलब है कुल्फी जो आज बन गई है देवी माँ। और आज तो मैं अपने सुरों से सब भक्तों का दिल जीत ही लूंगी। कुल्फी ने लिया देवी का अवतार, जागरण में छेड़े सुरों के तार। देवर हुआ हैरान देखकर कुल्फी के सुरों का चमत्कार। किसकी बेटी है ये? कसम महादेव की, अगर ऐसी आवाज हमारी होती तो हाहाकार मचा देती दुनिया में। लेकिन आखिरकार कुल्फी ने ये रूप लिया क्यों? क्योंकि कुल्फी को लवली की बर्थडे पार्टी के लिए 100 रुपए का इंतजाम जो करना था। सर, पार्वती ने धोखा दे दिया, वो गाना गाने नहीं आएगी। प्रोग्राम चालू होने में समय कितना बचा हुआ भाई, क्या करूँ मैं? चाचू, क्या है? आप कहो तो मैं आपके लिए गाना गा सकता हूँ। पर सर, हमें तो पार्वती चाहिए, उसके सारे कपड़े तैयार हैं, और वैसे भी हमें लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए हमें। क्या है? को क्या पता कि घर पर एक और ट्विस्ट कर रहा था उसका इंतजार। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस्ट। छोड़ो मुझे, मुझे और केक नहीं खाना, छोड़ दो। तेरी टाई टाई फिस्ट, तेरी टाई टाई फिस्ट। खाओगे कैसे? नहीं खाना तो पड़ेगा, ये लो खाओ। मुसीबत में कुल्फी, अमायरा एंड गैंग का सितम। कुल्फी के खिलाफ मास्टर प्लान, और मासूम कुल्फी के खिलाफ ये सारा प्लान बनाने वाली कोई और नहीं, अमायरा और उनका गैंग है जो जबरदस्ती कुल्फी के मुंह में केक ठूस रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर इस मीठे सितम के पीछे वजह क्या है। अभी मेरी मॉम का बर्थडे आने वाला है, तो मैं कुल्फी को बहुत सारे केक खिला देती हूँ ताकि वो पार्टी में आ पाए, क्योंकि वो पार्टी में आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ, लवली का है जन्मदिन, और ऐसे में अमायरा पूरी कोशिश कर रही है कि कुल्फी उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल ना हो पाए, और इसीलिए पहले उसने दिया कुल्फी को टास्क 100 रुपए का इंतजाम करने का, और कुल्फी इसमें कामयाब भी हो गई। अपनी चाल नाकाम होती देख अमायरा ने चली एक और चाल, जहां उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर कुल्फी को इतना केक खिलाया कि उसका पेट हो जाए खराब और वो पार्टी में ना पहुंच सके। हम लोग कुल्फी को इतना सारा केक खिलाते कि पार्टी में नहीं आए और अमायरा को खुशी हो। हाँ, और ये सब मेरा आइडिया है क्योंकि मैं मास्टरमाइंड हूं इसके अंदर। वैसे इधर अमायरा कुल्फी को अपनी मम्मी की बर्थडे में न आने देने की प्लानिंग कर रही है, तो वहीं नन्ही कुल्फी को याद आ रही है अपनी माँ कि किस तरह वो अपनी माँ के जन्मदिन के लिए करती थी तैयारी। अब देखना होगा कि क्या वाकई अमायरा की ये शैतानी हरकत कुल्फी को लवली की पार्टी से दूर रख पाएगी, या फिर हमेशा की तरह सिकंदर बन जाएंगे कुल्फी के मददगार। वैसे जाते जाते आप देख लीजिए नन्ही कुल्फी यानी आकृति शर्मा के रियल सुर। बासी आज तक ब्यूरो।